जय हिंद दोस्तों, गुड एमसी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आपके काम का है। बहुत सारे मेरे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर लकवा के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए, और कई सारे दोस्तों के तो पर्सनली जो मुझे जानते हैं कॉल भी आ चुकी है कि लकवा के ऊपर आप एक नया वीडियो बनाइए, क्योंकि एक वीडियो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया वीडियो पूरे प्रॉपर तरीके से बताया जाए, क्योंकि इसमें लकवा एक है तो उसके क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं, जैसे लकवा क्या होता है, लकवा कैसे होता है, लकवा होने से पहले लक्षण क्या क्या होते हैं, लकवा होने के बाद क्या क्या दिक्कत आपको आ सकती है, और इसके उपचार के लिए आपको तुरंत क्या करना चाहिए, और आयुर्वेदा के अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं जिससे आप बहुत जल्द लकवा को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, जल्दी से वीडियो पर लाइक करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दोस्त और आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लकवा को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो ये जो भी वर्ड मैंने बताए हैं ये सब के सब लकवा के ही दूसरे नाम हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि लकवा होता क्या है। दोस्तों जब हमारे ब्रेन के अंदर या तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, यानी कि हमारी दिमाग की नस फट जाती है जो पूरी बॉडी को सिग्नल भेजती है, जो वहां तक ब्लड पहुंचाती है, तो उस टाइम पे भी लकवा हो सकता है। या फिर हमारे ब्रेन की जो नस है वहां पे कुछ क्लॉथ जम जाता है, कुछ खून का थक्का जम जाता है, तब जाके ये प्रॉब्लम आती है, उसको हम लकवा बोलते हैं। तो आई थिंक आपको दो क्वेश्चनों के तो आंसर मिल गए होंगे कि लकवा क्या होता है और कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि लकवा होने से पहले अगर आपको कोई लक्षण मिलता है तो वो किस प्रकार का हो सकता है। देखिए वैसे तो बताया जाता है कि लकवा होने से पहले बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको लक्षण का पता चल जाता है, कईयों को डायरेक्ट हो ही जाता है, यानी कि एकदम से एक साइड हमारी बंद हो जाती है। मान लीजिए कि एक साइड हमारी हाथ पैर बिल्कुल बंद हो जाते हैं या फिर मुंह लटक जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को पहले अगर लक्षण मिल जाए तो लक्षण कुछ इस प्रकार से होता है कि उसका मुंह लटक जाएगा एक साइड से, उनकी खाना खाने की क्षमता ठीक नहीं रहती, यानी कि उनको घुटकने में दिक्कत आती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, हाथ पैर उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से काम करने चाहिए, मांसपेशी आपको लगेगी एक साइड से कि जैसे लटक चुकी है। तो ये तो हो गए इनके लक्षण। अब अगली बात कर लेते हैं कि आपको दिक्कत क्या आ सकती है यदि आप टाइम पे नहीं संभालते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही कम चांस होते हैं बहुत ज्यादा पुरानी होने के बाद कि ये ठीक होती है। तो इसको टाइम पे कंट्रोल करना ठीक रहता है, जैसे कि मैंने बताया शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी, खा पी ठीक से नहीं पाओगे तो और ज्यादा बॉडी कमजोर हो जाएगी, आप चल फिर नहीं पाओगे, तो ये सारी दिक्कतें आपको आने वाले समय में आ सकती हैं। तो बात कर लेते कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। करने के लिए ये है कि जब भी आपको लगे कि आपको थोड़ा बहुत लक्षण लग रहे हैं तो उसी टाइम पे आप अपने नजदीकी किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जाएं जहां पे लकवा का इलाज अच्छे से किया जाता हो। इसमें कई लोग झाड़ा लगवाने में या कहीं और पूजा पाठ के अंदर अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर वो भी कराना है तो वो साथ में कराइए, लेकिन दवाइयां आपको चलाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में कुछ ऐसी दवाइयां भी बन चुकी है यदि किसी पेशेंट को तुरंत दे दी जाए, यानी कि जिस टाइम पे उसको लक्षण हो रहे हैं उसी टाइम पे उसको अगर संभाला जाए, वो दवाइयां वो मेडिसिन दे दी जाए, तो उसको काफी हद तक जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, उनको जल्दी ठीक किया जा सकता है। और प्रॉब्लम बढ़ने के बाद आपको पता ही है कि ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी कवर नहीं होती, इसमें बहुत महीने बहुत साल भी लग जाते हैं ठीक होने में, क्योंकि टाइम पे दवाइयां देने से वो तुरंत उनके खून के थक्के को जो जम चुका है दिमाग की नस के अंदर उसको खोलना शुरू कर देती है और रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या फिर आयुर्वेद के लेने से क्या फायदे हैं। देखिए आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं इमरजेंसी के तौर पे, आप इंग्लिश मेडिसिन आप लीजिए जब आपको लगे कि अब मेरे हालात में सुधार हो चुका है, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको प्रॉब्लम जो है वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो आयुर्वेद के अंदर आप यदि जाते हैं तो आप कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो मैं आपको आईएमसी के प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगा जिनका बहुत फास्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहले तो आप हिमालयन बेरी दीजिए। हिमालयन बेरी क्यों देना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा भंडार है और हमारे ब्लड की जब सप्लाई होती है तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है, और जिससे ब्रेन हेमरेज जैसी प्रॉब्लम होना या फिर ब्लड सर्कुलेशन रुकना ऐसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हिमालयन बेरी एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है आईएमसी कंपनी का, जिसको आप 30 ml यानी कि एक ढक्कन भर के सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में डेली सेवन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड प्रोडक्ट हमारा आता है
एड टू हेल्थ कैप्सूल। यदि आपको शुरुआती टाइम में प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप सुबह और शाम एक एक कैप्सूल ले सकते हैं। ट्रू हेल्थ कैप्सूल जो होता है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा कैप्सूल है, जो अदरक, लहसुन और कलौंजी के मिश्रण से बना हुआ है। ये हर प्रकार की प्रॉब्लम के अंदर तो फायदा देता ही है, साथ में गाढ़े हुए खून को पतला करने में भी ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो ट्रू हेल्थ कैप्सूल आप एक सुबह एक शाम को दोनों टाइम खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको गुनगुने पानी में जरूर लें। अगर प्रॉब्लम आपकी थोड़ी कम है तो आप सिंगल एक डेली ले सकते हैं। थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो वीट गोल्ड टैबलेट। वीट गोल्ड टैबलेट क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों वीट गोल्ड टैबलेट वीट ग्रास से तैयार किया जाता है और वीट ग्रास से जो टैबलेट तैयार की जाती है वीट गोल्ड, ये आपके खून को नया बनाने में, खून के अंदर जो क्लॉट्स जम जाते हैं, थक्के जम जाते हैं, उसको साफ करने में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में, इन चीजों में काम करती है। और ये थैलेसीमिया की जैसी प्रॉब्लम जहाँ पे खून नहीं बनता है वहाँ पे भी काफी हद तक अच्छा काम करती है। तो ये भी आप एक सुबह एक शाम दोनों टाइम खाना खाने के आधे घंटे के बाद जरूर लें। उसके बाद आता है दोस्तों एलोमुक्ता टैबलेट। एलोमुक्ता टैबलेट आपके हार्ट के लिए भी सही होती है, क्योंकि हार्ट को ही आपके हर हिस्से में बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाना होता है। साथ में एलोमुक्ता टैबलेट आपके बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है, क्योंकि बीपी की वजह से भी काफी सारे लोगों को ब्रेन हेमरेज जैसी या लकवा जैसी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद पांचवा प्रोडक्ट आता है दोस्तों मालिश करने का, यानी कि जिस साइड में जो हिस्से पे लकवा मारा गया है वहां पे आप या तो IMC कंपनी का मसाज ऑयल इस्तेमाल करें या फिर पेन अवे ऑयल को इस्तेमाल करें। इसकी रोजाना दो टाइम पे मालिश करने से आपकी मांसपेशियों में जल्द फायदा होगा और आपके हाथ और आपके पैर जो लकवा की वजह से दिक्कत में थे उनको जल्दी ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, जल्दी उनका ब्लड फ्लो होगा और जल्दी वो काम करना स्टार्ट करेंगे। छठा जो प्रोडक्ट आता है दोस्तों वो है श्री तुलसी। श्री तुलसी तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी जरूर ले और एक बीमार व्यक्ति को भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि श्री तुलसी हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। जो लकवा होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये उसको भी मजबूत करेगी, साथ में खून को पतला करने का भी काम करती है और बहुत सारे 200 प्रकार की बीमारियों में लड़ने की क्षमता श्री तुलसी के अंदर होती है। तो श्री तुलसी की आप कम से कम सर्दियों के टाइम पे 5-5 बूंदे 3 टाइम गुनगुने पानी में और गर्मियों के टाइम पे कम से कम 2-2 बूंदे 3 टाइम इस प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को जरूर दें। तो दोस्तों इस प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए वीडियो पे लाइक करके चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुड MC।